कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इन लोगों की मदद के लिए कुल्लू जिला की समाज सेवी संस्थाएं आगे आई और जरूरतमंदों को भोजन व राशन उपलब्ध करवाया। अन्नपूर्णा संस्था ने जहां प्रतिदिन 4,500 प्रवासियों व अन्य लोगों को खाना उपलब्ध करवाया, वहीं कार सेवा दल के सदस्यों ने दूर दराज क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। जनता कर्फ्यू जिस दिन शुरू हुआ उससे अगले दिन से जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनके लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था इसी अन्नपूर्णा संस्था की ओर से करवाई गई, जिसमें की बजौरा से लेके ऊपर सेव बाग तक सारे जो जितने भी प्रवासी मजदूर थे उन्हें दिन से दिन हमारे 4,000 से 5,000 लोगों को खाना उपलब्ध करवाया जा रहा था। इसके पश्चात जैसे ही जो प्रवासी जो हिमाचल में लौटने आया जिनको क्वारंटीन किया गया, तो क्वारंटीन जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा निःशुल्क अन्नपूर्णा संस्था के माध्यम से उपलब्ध है। लॉकडाउन के समय स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाना बांटना, क्वारंटीन सेंटरों में खाना पहुंचाना या फिर किसी मरीज को रक्त उपलब्ध करवाना हो, संस्था के स्वयंसेवक हर मोर्चे पर तत्पर रहे। जिला कुल्लू के सरकारी अस्पताल में यहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट्स काफी रहती थी, जो कि मेन है डिलीवरी केसेस और मेजर सर्जरीज के लिए, तो उस दौरान लोगों का बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन उस दौरान हमारे लिए एक चैलेंज था, बन के आया था। और हमने अपने जितने भी जो ब्लड डोनर्स थे उनको लाने और ले जाने में दिक्कत होती थी, तो इस दौरान हमारी पूरी टीम रीइमेजिन जिंदगी के जितने भी सदस्य थे इन्होंने एकजुट होकर इस मुश्किल टाइम को, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और हमने जिला कुल्लू के पुलिस अधीक्षक SP गौरव सिंह जिसे उनकी मदद ली और उन्होंने हमें एक सुविधा ये प्रोवाइड की कि जो भी हमारे व्हीकल जो डोनर्स आते थे उनको वो परमिट कर देते थे और वापसी में हम उनको सर्टिफिकेट देके उनको उनके घर तक ड्रॉप करते थे। वो फर्स्ट फेज चैलेंजिंग था। हमने एक छोटा सा क्लब ग्रुप अपना शुरू किया था लॉकडाउन के दौरान, आयुष्मान सेवा संस्था, जिसमें हम कुछ 7-8 दोस्त थे शुरू में जिन्होंने हमने अपने कुछ इकट्ठे पैसे किए और राशन वितरण शुरू किया। हमने सूखा राशन वितरण किया बेसिकली कुल्लू क्षेत्र में, जो भी बाहर के प्रवासी लोग थे या हमारे हिमाचल के लोग, जो स्टूडेंट वर्क यहाँ पे था, कुछ वर्किंग वुमेन्स यहाँ पे थी, उनके लिए हमारा प्रयास था कि हम लोग उन्हें सूखा राशन वितरित करें। तो हमने एक हफ्ते का सूखा राशन वितरित किया परिवार की सदस्यों को देखकर, तो लगभग हम 700 परिवारों को यहां पर राशन वितरित कर चुके हैं, जो क्रम अभी भी जारी है। संकट के इस समय में मीडिया से जुड़े लोग भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे और अन्नपूर्णा संस्था के सहयोग से प्रेस क्लब कुल्लू ने मजदूरों में खाना बांटा। लॉकडाउन शुरू में लगा था क्योंकि उस समय लोग घरों के अंदर थे, बाहर बहुत कम लोग थे, जिस स्थिति से हम अवगत थे। मीडिया क्योंकि लगातार अपनी कवरेज भी कर रहा था और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा पूरा स्टाफ फील्ड में था और इसी के साथ अन्नपूर्णा संस्था भी यहाँ पर काम करती थी जो ज़रूरतमंद लोगों को, खासतौर मजदूरों को खाना खिलाती थी। उस दौरान हम लोगों ने उनके साथ, प्रेस क्लब कुल्लू ने मिलकर और मेरे स्टाफ ने मिलकर उनके साथ मदद की। जहाँ जहाँ लोगों को, अगर हम पूरे कुल्लू एरिया की बात करें भुंतर तक, तो हम लोग जो हैं पहले लोगों को सुबह के समय ही निकल जाते थे खाना देने के लिए और जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी, क्या दिक्कत उन्हें है उसे प्रशासन को अवगत करवाते थे, उसके बाद लोगों की मदद करते थे और साथ में अपने जो हैं खबरें और अपना जो हमारा काम रहता था वह हम करते थे। इन सभी सामाजिक संस्थाओं ने संकट की इस घड़ी में स्वेच्छा से आगे आकर कोरोना योद्धाओं की भूमिका को निभाया है। इन कोरोना योद्धाओं को दिल से सलाम। DD News के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।